आज की ताज़ा खबर। IRCC ने इंटरनेशनल स्टूडेंट की एडमिशन्स पर सीमा लागू की। नमस्ते, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। हाल ही में एक घोषणा में IRCC ने इंटरनेशनल स्टूडेंट की एडमिशन्स के लिए स्टडी वीज़ा जारी करने पर एक टेम्पररी सीमा लगा दी है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। IRCC की रिलीज़ के अनुसार साल 2024 की लिमिट के परिणाम स्वरूप लगभग 3,60,000 स्टडी परमिट्स ही अप्रूव होने का अंदाज़ा है, जो 2023 के आंकड़ों से 35% की कमी दर्शा रहा है। इसके अलावा IRCC अब पॉपुलेशन के आधार पर एलोकेशन के साथ हरेक प्रोविंस और टेरिटरी के लिए सीमा निर्धारित कर रहा है। इसका उद्देश्य इंटरनेशनल स्टूडेंट की आबादी में अनसस्टेनेबल बढ़ोतरी का अनुभव करने वाले प्रोविंसेस में ग्रोथ की चुनौतियों का समाधान करना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सीमा फिलहाल स्टडी परमिट होल्डर्स या परमिट रिन्यूअल्स को प्रभावित नहीं करेगी और इसमें मास्टर और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले लोग शामिल नहीं हैं। 22 जनवरी 2024 तक IRCC को प्रस्तुत हरेक स्टडी परमिट एप्लीकेशन में एक प्रोविंस या टेरिटरी पिटी से एक अटेस्टेशन लेटर शामिल होना चाहिए। पिटी से अपेक्षा की जाती है कि वे 31 मार्च 2024 से पहले इन लेटर्स को जारी करने की प्रोसेस शुरू कर लें। IRCC ने सितंबर 2024 से प्रभावी PGWP के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मॉडिफिकेशंस की भी घोषणा की है। नए नियमों के तहत करिकुलम लाइसेंसिंग के अरेंजमेंट के हिस्से के रूप में स्टडी प्रोग्राम शुरू करने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब PGWP के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस बदलाव का उद्देश्य ऐसे अग्रीमेंट्स के तहत चल रहे प्राइवेट कॉलेजेस की निगरानी से संबंधित चिंताओं को दूर करना है। फिलहाल के क्राइटेरिया के तहत PGWP की लंबाई स्टूडेंट के स्टडी प्रोग्राम की लंबाई पर आधारित होती है, पर इस एडजस्टमेंट से मास्टर प्रोग्राम्स या अन्य शॉर्ट ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम से ग्रेजुएट्स अब 3 साल के वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आने वाले हफ्तों में IRCC इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के स्पाउसेस के लिए ओपन वर्क परमिट के बारे में और ज्यादा डिटेल्स जारी करेगा। विशेष रूप से ओपन वर्क परमिट केवल मास्टर और डॉक्टरेट प्रोग्राम्स में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के स्पाउसेस के लिए उपलब्ध होंगे। इस मेजर की व्यापक रूप से आशा की गई थी, क्योंकि इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिला ने 2023 में पब्लिकली इस संभावना पर चर्चा शुरू की थी। मिला ने सिस्टम की इंटीग्रिटी के बारे में ऐसे उदाहरणों का हवाला देते हुए चिंता व्यक्त की थी, जहां इंस्टीट्यूशंस ने वादा की गई एजुकेशन दिए बिना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया। IRCC की लेटेस्ट रिलीज इस बात पर जोर देती है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस ने रेवेन्यू के लिए अपने इनटेक्स में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे उचित सहायता देने में चुनौतियां पैदा हो रही हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तीव्र आमद कनाडा में हाउसिंग, हेल्थ केयर और अन्य सर्विसेज पर भी दबाव डालती है। 2022 में कनाडा ने 8 लाख से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया था और 2023 में यह आंकड़ा 9 लाख से ज्यादा का था। मिनिस्टर मिला ने चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कहा कि सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और फेडरली मुद्दों को ठीक करने की कोशिश चल रही है। दिसंबर में भी IRCC ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जीवन जीने की लागत की आवश्यकता को दोगुना करने के साथ साथ अन्य बदलाव लागू किए थे। आगे देखते हुए IRCC ने 2024 के एकेडमिक सीजन के लिए DLI के साथ एक ट्रस्टेड फ्रेमवर्क अग्रीमेंट को लागू करने की योजना बनाई है, जो एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी परमिट्स के लिए तेज प्रोसेस की पेशकश करेगा। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।